वेलकम क्लास थर्ड हिंदी मीडियम। आज हम लोग देखेंगे जीके का पहला लेसन, एक बार देख लेंगे तो आप स्वयं पढ़ेंगे और याद करेंगे। मेरा भारत, राष्ट्रीय नाम भारत, कार्यालय नाम भारत का गणतंत्र, राष्ट्रीयता भारतीय, स्थिति भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है। चीन, नेपाल, भूटान उत्तर में स्थित है। पूर्व से म्यांमार तथा बांग्लादेश तथा दक्षिण में श्रीलंका है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक इसका क्या है? अशोक स्तंभ। क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक। राजधानी नई दिल्ली। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की तीन पट्टियां हैं। सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय चिन्ह शेर युक्त अशोक की लाठ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वन्य जीव चीता। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राज्यों की संख्या 28। केंद्र शासित राज्य प्रदेश 7। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं 18। अब देखेंगे इसका पाठ 2। स्वतंत्र भारत में प्रथम, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री लिख लेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरा दूसरा है किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। लिख लीजिए सुचेता कृपलानी। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह लिख लेंगे आर्यभट्ट। प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू।
माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तेंजिंग तेंजिंग स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा जनरल करियप्पा। अंतरिक्ष में आने वाले अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल बेटा, इसको आप लोग कॉपी में भी कर लेंगे और उसमें भी पेंसिल से लिख लेंगे। थैंक यू। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये यूनिट टेस्ट में यही दो लेसन आएंगे, लेसन फर्स्ट एंड सेकंड।